निगरान वजीर आजम अनवारुल हक और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबते में पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को आज शाम बिल गेट्स की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। याद रहे वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक और बिल गेट्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली इजलास के मौके पर हुई मुलाकात का जिक्र किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान को पोलियो से महफूज बनाने की बिल गेट्स फाउंडेशन के तआवुन को सराहा। वजीर आजम ने मुल्क को पोलियो वायरस से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। वजीर आजम ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में जारी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में आगाह किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक और बिल गेट्स के दरमियान ग़िज़ाती क़िल्लत के मसाइल और मैटरनल हेल्थ पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने हुकूमत और BMGF के दरमियान बेहतरीन तआवुन पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक सेहतमंद और महफूज मुल्क के लिए पुरअज़्म है। मजीद बरा ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल और माँ व बच्चा की सेहत के मौजूआत पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने हुकूमत और BMGF के दरमियान बेहतरीन तआवुन पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है और इस कोशिश में BMGF जैसे काबिल एतमाद शराकत दार मददगार साबित हो सकते हैं।